एर्नाकुलम पुणे एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन नंबर 1098 एर्नाकुलम पुणे। केरला का बेस्ट टाइम तो सितंबर टू फेब होता है, बट केरला को मानसून में देखना अलग ही है। केरला मानसून की हरियाली उम्मीदों में भरे हुए मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी, जिसका 2 साल से प्लान बना रही थी। मेरी जर्नी की शुरुआत ट्रेन से हुई और ये बहुत लंबी होने वाली थी, 3 दिन ट्रेन में। ओ गॉड, ये मेरी लाइफ की फर्स्ट लॉन्ग रोड ट्रेन जर्नी है। 6 स्टेट्स और न जाने कितने शहरों को क्रॉस करते हुए मेरी ट्रेन केरला के लिए बढ़ रही थी, और हर दिन अलग तरीके के जियोग्राफिकल चेंजेस। ट्रेन जर्नी का अलग ही मजा है। आपने कभी इतनी लंबी ट्रेन जर्नी की है? आउट ऑफ केरला से आने वालों का पहला डेस्टिनेशन कोची होता है। ये सेंट्रल केरला है। कोची बाय एयर, बाय ट्रेन एंड बाय बस पहुंच सकते हैं। हर बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है। जैसे ही मैंने अपने पहले शहर कोची में एंटर किया, वेदर वाव। ओ भाई, जितनी शांति से मेरी ट्रेन चल रही थी, ये शहर उतनी ही तेजी से दौड़ रहा था। कोची मेनलैंड टाउन एर्नाकुलम से अलग है। ये एक आइलैंड है। फोर्ट कोची बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बिकॉज ऑफ एस्थेटिक बीचेस एंड ओल्ड मोनूमेंट्स। यहाँ का जो रूट्स है पुर्तगीज, डच एंड ब्रिटिश है। फोर्ट कोची जाने के लिए 2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, या तो फेरी राइड लेकर या बस से। बस आपको एर्नाकुलम जंक्शन के पास एमजी रोड से मिल जाएगी, और फेरी के लिए आपको ऑटो करके फेरी जंक्शन पर पहुंचना होगा और वहां से फेरी लेकर फोर्ट कोची पहुँच सकते हैं। पहला डेस्टिनेशन कोची भी कुछ कम नहीं। इतनी खूबसूरत रास्ते, मैं तो बस यहाँ चले जा रही थी। पहुंचने का रास्ता तो सुंदर था ही, ये बीच एरिया भी काफी अतरंगी है। खट्टे आम के चटकारे तो जरूर ट्राई करना, या आप यहाँ से फ्रेश फिश भी खरीद सकते हो। मस्ट विजिट पॉइंट है। चाइनीज फिशिंग नेट से फिशिंग करने का एक यूनिक मेथड है जो पूरे इंडिया में सिर्फ यही है। ये नेट्स लैंड पर इंस्टॉल होते हैं
और बंबू के सहारे फिक्स होते हैं। ये फिशिंग नेट 14th सेंचुरी में चाइनीज एक्सप्लोरर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये 10 मीटर ऊंचा होता है। इससे फिशिंग हमेशा नहीं होती है, ये टाइड्स पर डिपेंड होता है। और लकली मुझे इससे फिशिंग करते हुए देखने का मौका मिल गया। यहाँ लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं कि मैं फॉरेनर हूँ। दे आर आस्किंग कि मैं कौन से कंट्री से आई हूँ। सच में लग रही हूँ क्या? ये भगवान मुझे मेरे ही देश में पराया कर दिया। यहाँ पर पहले फोर्ट था जो अब नहीं है। यहाँ के बीच पर अंदर जाना मना है, बट यहाँ की खूबसूरत सनसेट आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। प्लेस हॉन्टेड हो जाता है। यहाँ तो किसी घर में भी लाइट नहीं जल रही होती है। मैंने नेक्स्ट डे यहाँ के स्ट्रीट एक्सप्लोर किए। कोची में पुर्तगीज, डच एंड ब्रिटिश रहे हैं, तो यहाँ के हाउसेस का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं जहाँ आपको ऐसे मस्त घर एंड कैफेज देखने को मिलेंगे। पर्सियन स्ट्रीट, बैस्टियन स्ट्रीट, डच स्ट्रीट, सो मेनी स्ट्रीट्स। हाउसेस के डच की डच स्टाइल में होंगे क्या? पुर्तगीज से डच ने अराउंड 1663 में फोर्ट कोची कब्जा किया था। उसके बाद ये यहाँ व्यापार करते थे। माना जाता है डच सिमेट्री इंडिया में सबसे पुराना यूरोपियन सिमेट्री है। ये चर्च फोर्ट कोची का मेन अट्रैक्शन है। जितना बाहर से खूबसूरत है उतना अंदर से भी। गोथिक स्टाइल में बना ग्लास विंडो, वुडन सीलिंग्स, दीवारों पर पेंटिंग्स, सब बहुत ही अद्भुत है। हमें यहाँ पहुँचते बहुत लेट हो गया और ये बंद हो गया था। ये चर्च इंडिया के बहुत पुराने चर्च में काउंट किया जाता है। वास्को डी गामा का जब उनकी तीसरी बार 1524 में इंडिया विजिट पर निधन हो गया था, तो उन्हें सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया था। यहाँ की फेरी राइड तो जरूर करना। टिकट प्राइस केवल 6 रुपए
और अगर आप अपने बाइक या स्कूटी से हैं तो ₹10, बट दोनों का फेरी पॉइंट अलग है। फोर्ट कोची से एर्नाकुलम या वहाँ से रिटर्न आप आ सकते हो इस गवर्नमेंट फेरी के थ्रू। रात के 9:30 बजे तक ओपन होती है और इतना खूबसूरत राइड अगर आपको इतने सस्ते में मिल रहा है तो इससे बढ़कर आप क्या उम्मीद करोगे। फोर्ट कोची आप 2 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं तो आप एक एक दिन लगा करके कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स और बीचेस नियर बाय हैं जिन्हें घूम सकते हैं, जैसे कि वाइपिन आइलैंड, कुंबलगनी, बुलगट्टी आइलैंड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।